आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉ. नौलकिशोर चौधरी ने समारोह में परिसर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं तथा महिला पदाधिकारियों के साथ एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली शहर में निकाली गई, जिसमें महिलाओं की आत्मनिर्भर बनने और उनकी सुरक्षा इत्यादि को लेकर संदेश दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए चल रही तमाम तरह की योजनाओं पर भी लोगों को जानकारी दी गई। माझा घर में बुधवार की सुबह करीब 4 बजे पथरा गांव के लक्ष्मी माझी की 40 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी और इसी गांव के मनमोद माझी उर्फ पोंगा माझी की पत्नी परमिला देवी उर्फ शीला देवी तथा झजवा गांव के स्वर्गीय मुखलाल ठाकुर के 45 वर्षीय पुत्र दीनानाथ ठाकुर सड़क पर टहल रहे थे। इसी बीच अज्ञात अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को रौंद कर लापता हो गया। घटनास्थल पर ही सावित्री देवी और दीनानाथ ठाकुर की मौत हो गई तथा इलाज के दौरान घायल स्वर्गीय मनमोद माझी उर्फ पोंगा माझी की 28 वर्षीय पत्नी व पत्नी प्रमिला देवी उर्फ शीला देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही माझागढ़ थाना के पुलिस निरीक्षक ललित कुमार ललन ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा। वहीं घायल प्रमिला देवी उर्फ शीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से परिवारजनों में कोहरा मचा हुआ है, वहीं गांव में मातम छाया हुआ है। दीनानाथ ठाकुर के 3 पुत्र बीरेंद्र ठाकुर, योगेंद्र ठाकुर, हरीश ठाकुर, पुत्री अंजलि कुमारी सहित 3 पुत्री हैं, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। 1 पुत्र और 1 पुत्र की शादी करने की तैयारी में लगे हुए थे। सावित्री देवी के 10 वर्षीय पुत्री सजनी कुमारी उर्फ चंदा कुमारी है, जो वर्ग 5वें में पढ़ रही है, तथा 1 पुत्र 8 वर्षीय ऋषभ कुमार है, जो LKG में पढ़ता है। इस घटना की वजह से ये दोनों बच्चे अनाथ के समान हो गए हैं। सावित्री के घर के सारे काम की जिम्मेदारी के साथ बच्चों की देखभाल करती थी। आज इन बच्चों के देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया। सावित्री देवी के पुत्र ऋषभ कुमार और पुत्री सजनी कुमारी का रो रो कर हालत खराब है। वहीं दूसरी तरफ दीनानाथ ठाकुर की पत्नी गिरजा देवी और पुत्र बीरेंद्र ठाकुर, योगेंद्र ठाकुर, हरीश ठाकुर, पुत्री अंजलि कुमारी का रो रो कर हालत खराब है। दूसरी ओर स्वर्गीय मनमोद माझी के उर्फ पोंगा की पत्नी परमिला देवी उर्फ शीला देवी के 2 पुत्री शिवानी कुमारी, सिया कुमारी और 1 पुत्र सत्यम कुमार है। दोनों पुत्री 1 पुत्र सत्यम कुमार से 3 अनाथ हो गए। पति की मौत करीब 6 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में छपरा में हो गया। थावे स्थानीय प्रखंड सभागार में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला तथा बाल विकास निगम के तहत BDO की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावित एवं रामचंद्रपुर उच्च विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। BDO ने कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से कहा कि भविष्य छात्राओं के हाथ में है, छात्राओं के बदौलत समाज और परिवार आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बालिका एवं किशोरियों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे छात्राओं को विकास हो सके। कार्यक्रम के बाद प्रखंड मुख्यालय से छात्राओं को BDO अजय प्रकाश राय और CO रजत कुमार बर्णवाल संयुक्त रूप से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली प्रखंड मुख्यालय से निकलकर थावे बाजार, विदेशी टोला, चिट्टू टोला, गजादर टोला व ग्रामीण क्षेत्रों से होकर मुखी राम स्कूल में समाप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान राकेश भारती, शैलेंद्र कुमार, मधुकर, प्रेम कुमार व खुर्शीद आलम सहित विद्यालय से आई सैकड़ों छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। गोपालगंज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए राजद ने विधानसभावार प्रभारी का मनोनय किया है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने प्रभारियों की सूची जारी की। सूची के अनुसार बैकुंठपुर विधानसभा में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद कासिम, बरौली विधानसभा में राजद के प्रदेश सचिव अरविंद कुमार पप्पू, गोपालगंज विधानसभा में युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव, कुचायकोट विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, भोरे विधानसभा में राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र राम महान तथा हथुआ विधानसभा में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद नियाज को प्रभारी बनाया गया है।
इस संदर्भ में राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने बताया कि राजद द्वारा पूर्व में पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। विधानसभा प्रभारी अपने अपने विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्रखंड तथा पंचायत प्रभारी के साथ समन्वय बनाकर संगठन को धारदार व मजबूत बनाने का काम करेंगे। हथुआ थाना क्षेत्र के महिचा गांव में रात्रि में मंदिर के एक पुजारी पर हमला करने की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट कर पुजारी को घायल कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मी पुजारी उत्तर प्रदेश के भाटपाडानी के बनकटा थाने के कोठीलतवा गांव के 70 वर्षीय पुत्र जुगी लाल यादव बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मठ के पुजारी ने बताया कि वे मंगलवार को रात खाना खाने के बाद मठ के बंगला में सोने के लिए चले गए थे। रात के करीब 1 बजे बदमाशों ने उनके सिर में चाकू समेत अन्य धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुजारी ने बताया कि उनके मठ में पहले भी चोरी की घटना हुई है और उन्हें उम्मीद है कि चोरी की घटना से आए अपराधियों में उन पर जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल घटना की पुलिस अनुसंधान कर रही है। आगामी 9 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु दिनांक 11 अक्टूबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय के निर्देशन पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महंता द्वारा सभी प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी गण के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के प्रकोष्ठ में बैठक आहूत की गयी, जिसमें ग्राम कचहरी में लंबित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत 9/12/2023 में निष्पादन कराने वास्ते अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर वादों को तैयार वास्ते अग्रतर कार्रवाई करने हेतु पंचायत राज पदाधिकारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। पंचदेरी में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लड़कियों को उनके अधिकारों और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, करियर और उनकी हेल्थ सहित अन्य टॉपिक भी शामिल थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नेहरुवा कला में वर्ग 5, 6, 7 और 8 की 50 छात्राओं को साइकिल रैली निकाली गई। वहीं सुबह में मिनी मैराथन दौड़ लगाया गया। इस दौरान बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार, बेटियां हैं कुदरत का उपहार, जीने दो उनको और दो अधिकार, बेटी को मत समझो भार, ये है जीवन का आधार, बेटियां हैं कुदरत का उपहार आदि स्लोगन के साथ साइकिल रैली और मैराथन दौड़ से समाज के लोगों को छात्राओं ने संदेश दिया। शिक्षक जनार्दन ओझा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही दुनिया भर में लड़कियों के प्रति होने वाले लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। मौके पर संजीव कुमार, जनार्दन ओझा, निराला, छोटेलाल प्रसाद, ममता श्रीवास्तव, निर्मला शुक्ला, सीमा देवी, पुष्पा देवी, राजन राम आदि थे। माझागर प्रखंड अंतर्गत नवसिर्जित प्राथमिक विद्यालय कर्णपूर्णा अहटोली, नवसिर्जित विद्यालय भैंसई, धमई तत्वा टोला में सहित अन्य विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में इस बार का थीम उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण रही।
इसमें बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, बालिकाओं के समक्ष आने वाले चुनौतियों और कठिनाइयों की पहचान करना, समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना आदि को लेकर नव सृजित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार के द्वारा बालिकाओं को प्रेरित किया तथा सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। विद्यालय परिवार ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए विद्यालय संचालन का काम एक दिन के लिए बाल संसद की प्रधानमंत्री वर्ग 5 की बालिका कृतिका कुमारी को सौंपा, जिसमें बुधवार के लिए छात्रा संसाधन प्रधान कृतिका कुमारी के नेतृत्व में शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गयी। प्रीति, खुशबू, आशिका, रितिका और निकी को कक्षा शिक्षक कार्य के लिए मनोनीत कर विद्यालय का समस्त कार्यभार सौंपा गया। विभिन्न मामलों में विभिन्न क्षेत्रों से माझागढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताते चले कि मंगलवार की रात्रि माझागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र कोइनी गांव के साकोट भगत के पुत्र संजय भगत को शराब के मामले में फरार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवापुर आशा रावत टोला के बहारन राम के पुत्र उमेश राम को मारपीट के मामले में फरार थे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भैंसही बीन टोली गांव के लाल बाबू बीन और इनके पुत्र संजय बीन मारपीट के मामले में फरार थे। दोनों बाप बेटा को पुलिस ने मंगलवार की रात्रि गिरफ्तार कर बुधवार को चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।